हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप जान गए होंगे, मैं बात करने वाला हूं आपकी बिहार पुलिस 2020 न्यू रिक्वायरमेंट या न्यू भर्ती की। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आपके बिहार में जल्दी ही यहां पर क्या आपके सब इंस्पेक्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर और भी विभिन्न पदों के लिए यहां पर वैकेंसी आने ही वाली है। जी हां फ्रेंड्स, आपको बता दें हो सकता है इसी वीक में या फिर आपको नेक्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। चलिए जानते हैं हर एक चीज को, किस के तहत यह भर्ती होने वाली है और कैसा क्या रहेगा इसमें, हर एक चीज को जानते हैं, ऑप्शनल न्यूज को देखते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको हर एक खबर। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली स्लाइड में और मैं लेकर आ गया हूं आपको न्यूज़पेपर के हेडिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके प्रभात न्यूज़पेपर की एक खबर है और आप यहां पे देख सकते हैं साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट का मामला, अनु शर्मा पटना। यहाँ पे क्या बोला है, साइबर क्राइम को रोकने और सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए राज्य के सभी जिलों में गठित साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में CCSMU, के लिए स्थायी बहाली होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, स्थायी बहाली होने जा रही है, मतलब कि जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, एक दो दिन, पांच दिन, हफ्ते या इसी महीने के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इनकी बात से पता चल रहा है। अब दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे आर्थिक अपराध इकाई ने 740 पदों के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है, मतलब कि इनका प्रस्ताव तैयार हो गया तो नोटिफिकेशन आने में टाइम नहीं लगने वाला। यहाँ पर जल्दी ही विज्ञापन जारी होगा। वर्तमान में काम कर रही CCSMU में क्या है, संविदा अथवा पुलिस की विभिन्न इकाइयां और जिला बल से प्रतिनियुक्ति की गई है। अब आगे आप रीड करेंगे तो यहाँ पे बोला है साइबर एवं सोशल मीडिया से जुड़े अपराध को कंट्रोल करने। जी हाँ दोस्तों, खासकर जैसे कि आपको पता होगा अलग अलग प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, आपके जो भी हैं यूट्यूब, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको फेक न्यूज देखने को मिलती होंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे यही बात बोली गई कि जो साइबर क्राइम के अपराध होते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बचाने के लिए इसलिए इन चीजों की रिक्वायरमेंट की जा रही है। साइबर एवं सोशल मीडिया से जुड़े अपराधों को कंट्रोल करने, मामलों की जांच करने के लिए राज्य भर में यहां पर 74 CCSMU की स्थापना की जा रही है। अब यहां पे आगे रीड करेंगे तो बोला है सरकार के निर्णय के अनुसार 20 थाने वाले जिलों में क्या होगा, एक एक, और 40 थाने वाले जिलों में दो दो, और 40 से 60 थाने वाले जिलों में कितने, तीन तीन यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर बोला है कि कितने कितने थाने में कितने कितने सेंटर यहाँ पर स्थापित करने का लक्ष्य, जैसे कि आपने रीड किया होगा। अब यहाँ पे थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा है, प्रत्येक यूनिट में एक इंस्पेक्टर, और यहाँ पे क्या बोला है, जैसे आप प्रोग्रामर, तीन दरोगा, तीन डाटा सहायक और दो सिपाहियों की यहाँ पर स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है तो जल्दी इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मे भी इसको ज्यादा से ज्यादा 1 वीक का समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, शुरू कर दिया। अब यहाँ पे बोला है सरकार ने 15 मई 2018 को हुई कैबिनेट की बैठक में 74 पुलिस निरीक्षक, 74 प्रोग्रामर, 222 SI और यहाँ पे 222 सिपाही, डाटा सहायक एवं 148 सिपाही समेत कुल 740 पदों के सृजन की मंजूरी दी थी। यहाँ पर मंजूरी मिल गई है, हर एक चीज कंप्लीट हो गई है तो अब इसका नोटिफिकेशन आने ही वाला है। आप लोगों के लिए यहाँ पर एक उम्मीद है, एक आप लोगों की आशा है, जिससे आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बेहद खुशखबरी की ये बात है, गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया बेहद अच्छा कदम है। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या, अंतिम चरण में बहाली की तैयारी, मतलब कि जल्दी यहाँ पर आप लोगों की तैयारी पूरी हो गई, अंतिम चरण में चल रही है तो अब इसका मतलब है आपका नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। यहाँ पे ADGP यहाँ पे बोला है क्या, गंगवार है ना, यहाँ पे है क्या, साइबर क्राइम एंड सोशल मीडिया यूनिट की स्थापना से लेकर निगरानी नियंत्रण का पूरा जिम्मा किसको, आर्थिक अपराध इकाई पर है। जी हाँ दोस्तों, आर्थिक अपराध इकाई ही इन सारी चीजों का जिम्मा लेगी।
यहाँ पे बोला गया है क्या पहली बार इन पदों पर बहाली होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट टाइम है ऐसा मौका कि इन इन पदों पर बहाली हो रही है। चूंकि ऐसे काम होने लगे तो इसी चीज की देखते हुए ऐसी चीजों की रिक्वायरमेंट आ रही है और ऐसे पद खाली हो रहे हैं और बहाली हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार CCSMU में होने वाली नियुक्ति कैडर पोस्ट की होगी। इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही तक IT के एक्सपर्ट होंगे। योग्यता का निर्धारण इसी जरूरत को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अब यहाँ पे बोला है ADGP AU जितेंद्र सिंह गंगवार का कहना है कि 74 यूनिटों में बहाली की प्रक्रिया पर तेजी से काम कर रहे हैं। सभी चीजें लास्ट स्टेज पर हैं, मतलब कि मे बी इस आपके मंथ में ये सारी कंप्लीट हो जाएंगी और आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स बस यही न्यूज देनी थी। और बोलना चाहूंगा, यदि आप कर रहे हैं बिहार दरोगा की तैयारी, आपका फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया है, सेकंड की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों की हिंदी की क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं जिसमें हम आप लोगों के MCQ टाइप के क्वेश्चन कराते हैं पर डे, और थोड़ी थ्योरी भी आपको बताते हैं जिस टॉपिक से हम क्वेश्चन कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हमने वर्णमाला लिया तो उसके MCQ के क्वेश्चन के साथ साथ उसकी थ्योरी भी हम आपको बताते हैं, जिससे आप समझ के आंसर दें, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो दोस्तों यह क्लास आपकी पर डे आती है, कब? मॉर्निंग में 8 बजे। आप लोग इसको अटेंड करें। ओके, यही बोलना चाहूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।